मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में वर्चुअल माध्यम से गौ सदन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 2,22,00,000 रूपये की लागत से किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके चारे की व्यवस्था के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु है। उन्होंने कहा कि गौ सदनों में विशेषकर सर्दियों में गायों की केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। जयराम ठाकुर ने लोगों से भी गौ अभ्यारण्य और गौ सदनों में योगदान के लिए आगे आने का आग्रह किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सुन्नी के गौ सदन में 500 गायों को रखने की क्षमता है और इससे बेसहारा पशुओं के लिए उचित आश्रय सुनिश्चित होगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी इस दौरान वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।